स्टूडेंट्स मैथ्स इस वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज सेट फोर को डिस्कस करने वाला हो अगर आप लोग सेट वन सेट टू सेट थ्री को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल में देख सकते हैं जाकर के अगर आप लोग देख लिए तो आप लोग सेट फोर को देखिए मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ ओके तो आई होप जितने भी सेट्स मैंने बनाए हैं तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन होता है माध्यमिक लाइफ साइंस में okay, जो है, या फिर फाइव मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं कैसे आते हैं ओके okay, तो उस उस सीरीज पे मैंने यही डिस्कस किया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन अ साइंटिफिक लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क एंड लेवल द फ्लोइंग पार्ट्स तो रिफ्लैक्स आर्क रिफ्लैक्स आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉइंग uh, करनी है और साथ ही साथ उसके जो पार्ट्स है वो भी इंडिकेट करना है और मैं देखिए ड्रॉ अ साइंटिफिक लेवल डायग्राम ऑफ जो और होता है उनमें से मैटाफिस की जो फिगर है वो बनानी है स्टेज ऑफ एनिमल सेल डिवीजन एंड लेवल द फ्लोइंग बार्ट और यहाँ पर भी पार्ट्स को इंडिकेट करना है क्वेश्चन नंबर टू देखिए मेंशन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन मैटोटिक प्रॉफेज एंड टेलोफेज इन सेल डिविजन तो सेल डिविजन की जो प्रोफेज और मैटाफेज है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग सेल डिविजन तो उसमें यहाँ पर लिखना है मैंसन द सिग्निफिकेंसिस मैंसन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लोइंग इन म्योसिस तो म्यूसिस में क्या क्या आ, म्यूसिस की क्या इंपॉर्टेंस है नीचे पैरामीटर्स दिए गए हैं उन पैरामीटर्स पर यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिखनी है और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर और में दिया गया देखिए ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन flowering प्लांट flowering प्लांट में fertilization का process जो है उसको describe करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थोड़ी अ कलर ब्लाइंड मेल कैरियर फीमेल तो यहाँ पर कलर ब्लाइंड जो मेल है वो वो शादी करता है किससे

और एक क्वेश्चन है इसमें जेनेटिक काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर मैरिज मैरिज से पहले जेनेटिक काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट तो यहाँ पर जेनेटिक काउंसलिंग क्या है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखनी है ओनली टू मार्क्स के लिए अब देखिए इसी में और और में दिया है डिफ्रेंसिएट बिटवीन हेमोफेलिया एंथलासम ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग यहाँ पर हेमोफेलिया और thlasm, ये दोनों ही जेनेटिक डिजीज है तो इनमें डिफरेंट लिखना है डिफरेंस लिखना है दो पैरामीटर दिए गए हैं उस पर एक है इन्वॉल्व इसमें किस तरह की क्रोमोजोम होता है बी नंबर क्या है ओके okay, बहुत ही क्वेश्चन है इसी में और है देखिए मेंडल क्रॉस कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर ऑफ पी प्लांट टू रीच अ डिसीजन तो ये दोनों तरह की पी प्लांट में जो क्रॉस किया और एक डिसीजन पर पहुंचा मेंशन मैं लॉ दैट ही प्रपोज ड्यू टू दिस तो इस लॉ से मतलब इस क्रॉस से वो कौन सा लॉ को प्रोपोज किया था कौन सा लॉ को वो दिया था तो उस लॉ को एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन है फोर हाउ डज द कैमल एडेप्टल्फ टू डेजर्ट कंडीशन विद रिगार्ड टू स्कैंटी वाटर तो इतनी कम पानी में जो है डेजर्ट कंडीशन में डेजर्ट में जो सिचुएसन है वहाँ पर कंडीशन है वहाँ पानी बहुत कम है तो वहाँ पर किस तरह से कैमल अपने आप अडेप्ट कर लेता है बेसिकली यहाँ पर क्या लिखना है इन इन कैमल डेजर्ट इसी में और दिया है देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्स एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन एवोल्यूशन के सपोर्ट में जो है हॉर्स की जो डेवलपमेंट में वो किस तरह से एक एविडेंस है एवोल्यूशन के लिए तो हम लोग जानते हैं कि हॉर्स का जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है और सबसे जो न्यूएस्ट फॉसिल है तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है तो ये एक क्या है एवोल्यूशन की जो है एक सबूत है तो यहाँ पर लिखना है कंपेयर द हार्ट्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड मेमल्स इन सपोर्ट ऑफ सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन यहाँ पर जो है कंपेयर द हार्ट्स ऑफ रिप्टल्स रेप्टाइल्स के हार्ट में क्या कंपेयर करना है और मेमल्स इन दोनों में कम्पेरिजन करना है और जो एक एवोल्यूशन की सपोर्ट में

और वायग्राम वायग्राम के थ्रू ब्रीफली एक्सप्लेन द नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल को एक्सप्रेस करने कि स्टेप किसके बाद आता है वर्ड डायग्राम मतलब पर डायग्राम डायग्राम नहीं बनाना बनाना है है वर्ड वर्ड मतलब कौन सा फेज आता है उसका नाम लिखना है उसके बाद कौन सा फेज आता है उसका नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर सिक्स यू हैव रिसेंटली विजिटेड जल्दपारा एंड योर फ्रेंड हैज़ विजिटेड मड़ी तो आपने हाल ही में जो है जल्दपारा और आपके फ्रेंड जो है चपरा मारी विजिट किया है आफ्टर यू हैड कन्वर्सेशन विद यू वुड वु इन कंजर्वेशन ये दो टाइप के जो है कंजर्वेशन है एनिमल का या बायोडर्सिटी का तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है क्या आपने देखा इन दोनों में जल्दपारा में और हाँ चपरा मारी में अब इसमें और क्वेश्चन है आफ्टर बिकमिंग अम्बर ऑफ जे एफ एम जे एफ एम के मेंबर बनने के बाद राइट वट ड्यूटीज यू विल परफॉर्म फॉर इट तो आपने जे एफ एम में मेम्बर होने के नाते जो है क्या आपकी ड्यूटी होगी परफॉर्म करने के लिए इसी में और दिया गया है अ केमिकल फैक्ट्री हैज़ कम अपन योर एरिया आपके एरिया में जो है केमिकल फैक्ट्री बनाई गई है राइट वट प्रॉब्लम विल यू फेश इन दैट एरिया उस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो पता है एयर पोल्यूशन अलग अलग डिजीज होगी Recently, a man has been offered a job to take care of this problem of Sundarban. Recently, जो है एक आदमी को offer किया गया एक job क्या करने का to take care of this this problem of Sundarban. Sundarban में इस तरह की problem को take care करने के लिए mention what steps he will take to reduce such problem. तो क्या क्या steps है जिसकी वजह से वो problem जो है reduce हो जाएगी